आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है इज़रा की पुस्तक छठवां अध्याय वचन 1-12। तब राजा दारा की आज्ञा से बेबीलोन के पुस्तकालय में जहां खजाना भी रहता था खोज की गई। मादे नामक प्रांत के अहमता नगर के राजगढ़ में एक पुस्तक मिली जिसमें यह वृत्तांत लिखा था। राजा कुसरू के पहले वर्ष में उसी कुसरू राजा ने यह आज्ञा दी कि परमेश्वर के भवन के विषय जो यरूशलेम में है, अर्थात वह भवन जिसमें बलिदान किए जाते थे, वह बनाया जाए और उसकी नींव दृढ़ता से डाली जाए। उसकी ऊंचाई और चौड़ाई 60-60 हाथ की हो, उसमें 3 रद्दे भारी भारी पत्थरों के हो और 1 परत नई लकड़ी की हो, और इनकी लागत राजभवन में से दी जाए। परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्र नबूकदनेज़र ने यरूशलेम के मंदिर में से निकलवा कर बेबीलोन को पहुंचा दिए थे, वह लौटा कर यरूशलेम के मंदिर में अपने अपने स्थान पर पहुंचाए जाए, और तू उन्हें परमेश्वर के भवन में रख देना। अब हे महानद के पार के अधिपति ततन ने, हे शतरभुज ने, तुम अपने सहयोगियों महानद के पार के अपारस्कियों समेत वहां से अलग रहो। परमेश्वर के उस भवन के काम को रहने दो। यहूदियों का अधिपति और यहूदियों के पुरनिये परमेश्वर के उस भवन को उसी के स्थान पर बनाएं। वरन मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम्हें यहूदियों के उन पुरनियों से ऐसा बर्ताव करना होगा कि परमेश्वर का वह भवन बनाया जाए, अर्थात राजा के धन में से, महानद के पार के कर में से उन पुरुषों को फुर्ती के साथ खर्चा दिया जाए। ऐसा ना हो कि उनको रुकना पड़े। क्या बछड़े, क्या मेढ़े, क्या मेमने स्वर्ग के परमेश्वर की होमबलियों के लिए जिस जिस वस्तु का उन्हें प्रयोजन हो, और जितना गेहूँ, नमक, दाखमधु और तेल यरूशलेम की याजक कहें, वह सब उन्हें बिना भूल चुक प्रतिदिन दिया जाए। इसलिए कि वे स्वर्ग के परमेश्वर को सुखदायक सुगंध वाले बलि चढ़ाकर राजा और राजकुमारों के दीर्घायु के लिए प्रार्थना किया करें। फिर मैंने आज्ञा दी है कि जो कोई यह आज्ञा टाले उसके घर में से कड़ी निकाली जाए और उस पर वह स्वयं चढ़ाकर जकड़ा जाए, और उसका घर इस अपराध के कारण घूरा बनाया जाए। परमेश्वर जिसने वहां अपने नाम का निवास ठहराया है, वह क्या राजा, क्या प्रजा उन सबों को जो यह आज्ञा टालने और परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाएं, नष्ट करे। मुझदारा ने यह आज्ञा दी है, फुर्ती से ऐसा ही करना।